Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Dear students and uh, candidates who are appearing in the various examinations, I welcome you to my YouTube channel, Literary Passion. Dear students, we were on the point 4th from the fence from the Misty Moorlands, Grindel came gliding, God's wrath he bore. मैंने कल यहाँ तक तो पढ़ा दिया था हम लोगों ने इसका ट्रांसलेशन सीखा वर्ड टू वर्ड अब आ गए हम लोग जहाँ पे हमने छोड़ा था फोर्थ फ्रॉम द फेंस फेंस किसे कहते हैं फेंस इज़ द मोरलैंड एक uh, मार्शी एरिया को कहते हैं दलदली uh, भूमि या ज़मीन को कहते हैं और फोर्थ कहते हैं टू कम आउट एंड कम इन टू द व्यू यानी कि बाहर निकलना और दिखाई देना तो उस दलदली ज़मीन से बाहर निकलता है किसकी बात हो रही है ग्रिंडल की ग्रिंडल के बारे में कुछ लाइंस लिखी गई हैं उसके स्ट्रेंथ के बारे में फ्राम द मिस्टी मोरलैंड मिस्टी का मतलब होता है हेजी कैन नॉट बी ईजली सीन अ मोरलैंडस का मतलब मार्शेरिया तो वो कहाँ से आता है मॉरलैंड से आता है और आपको पता है कि उसका जो आ, उसकी जो माँ है यानी लेयर वो कहाँ है वो है अंडर द सी समुद्र के अंदर है तो वहाँ से आता है कौन है वो ग्रेंडल केम ग्लाइडिंग ग्रेंडल आता है कैसे ग्लाइडिंग करते हो ग्लाइडिंग मीन्स क्या होता है सरकते हुए लेकिन यहाँ पर ग्लाइड का सेंस ये है कि हवा में उड़ते हुए ओके गॉड्स रात ही बोर और उसके अंदर जो गुस्सा एक गुस्सा था रात था गॉड्स रात मतलब ईश्वर का गुस्सा उसके अंदर डाला हुआ था ईश्वर ने उसका गुस्सा जो है यूँ कह लें कि जो ये गुस्सा जो था ईश्वर का था जो उसके अंदर डाला गया था अब इसमें पॉइंट वन दिया है कि रात क्या गुस, ये गुस्सा कौन सा था इसको एक्सप्लेन किया गया और ये गॉड्स रात क्या है तो ये सही मायने में जो गॉड का जो गुस्सा है रात है वही सही मायने में ग्रिंडल था जो ग्रिंडल के फॉर्म में नज़र आया था कहते कि कहर इसी को ग्रिंडल कहा गया है तो ग्रिंडल ऑफ द योटिन इसे जाइंट कहा जाता है जाइंट रेस का था इोटिन रेस का था द डेथ ऑफ दैडो इसको मौत की छाया भी कहते हैं द मार्क स्टॉकर इसको मार्क स्टॉकर भी कहते हैं मार्क स्टॉकर का मतलब क्या होता है जो दूसरों को सताता है स्टॉकर मीन्स जो दूसरों को सताता है या फिर शिकारी भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जो दूसरों को सताता है और वो भी unwanted या ऑब्सेसिव अटेंशन के साथ ओके डो गैंगर शेडो गैंगर का मतलब होता है कि वो एक गैंग का ऐसा ग्रुप ऐसा मेंबर था जो बड़ा ही डेंजरस था इज ऑल्सो वेरिएबली कॉल्ड गॉड्स फो इसको एक अलग शब्द में कहें तो वो गॉड का दुश्मन था फीड ऑफ हेल जहन्नम का राक्षस था केन्स ब्रूड और केन का ब्रूट था यानी उसकी नस्ल था केन कौन केन जो था वो आपने एडम का नाम तो सुना होगा एडम यानी कि एडम ईव का नाम सुना होगा तो बाइबल में जो एडम और ईव हैं उनका ये एल्डेस्ट बेटा था सबसे बड़ा वाला बेटा था ऐसा माना जाता है कि उसने जो है अपने भाई एबल की मर्डर कर दी थी मतलब मर्डर कर दिया था अपने भाई की तो इसको मुझे लगता है कि इसको हिंदी में भ्रातृहंता ब्रा, कहेंगे यानी कि भाई का हत्यारा कहेंगे तो इस ऐसे ऐसे नामों से भी संबोधित किया गया है इट नीड हार्डली भी एक्सप्लेन देखिए ध्यान दीजिए अभी वो दो लाइन जो मैंने एक्सप्लेन की है अभी अभी और भी इसकी लाइंस हैं लेकिन चूंकि नंबर एक पे इसका जो है एक पॉइंट एक का देकर इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है गॉड्स रात का तो इट नीड हार्डली भी एक्सप्लेन दैट द लेटर टर्म्स आर एडिशन टू द ओरिजिनल पोएम अब कहा जा रहा है कि यह मुश्किल से इसको एक्सप्लेन किए जाने की ज़रूरत है कि जो लेटर टर्म्स हैं लेटर टर्म्स का मतलब ये है जैसे ये सारे जो टर्म्स दिए गए हैं फेंड ऑफ हेल किन्स है ना ये सारे जो टर्म्स दिए गए हैं ये ओरिजिनल पोएम ये ओरिजिनल पोएम के एडिशन्स में है सही मायने में जो है इसको ग्रेंडल कहा गया है लेकिन ये जो इनके और भी नाम दिए गए हैं इनवेबली ये इनके और भी जो नाम दिए गए हैं ये सब क्या है ये पोएम में नहीं मिलेंगे और ये सारी जो नाम्स प्रोबेबली ये बाई मोंग्स हैं मोंग्स का मतलब वो कौन मोंग्स कहते हैं सन्यासी को कहते हैं सन्यासी को कहते हैं मोंग्स हु कॉपीड द मैन्युस्क्रिप्ट जिसने मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया है यानी कि जो मेन था जो बी बीउुल्फ पोएम में जो मेन था वो उसमें ग्रिंडल वेंशन किया गया है लेकिन बाद के जो मॉन्ग्स थे सन्यासी थे जो साधु संत थे उन लोगों ने शायद उस वर्ड को अलग अलग तरह से उसको डिफाइन किया है अबलीफ इन वीर्ड द माइटी पावर कंट्रोलिंग द डेस्टनीज ऑफ मैन इज द चीफ़ रिलीजियस मोटिव ऑफ द एपिक यहाँ पर एक वर्ड है वियर्ड वियर्ड कौन है डेस्टनी डेस्टनी यानी कि जैसे हम फेट कहते हैं किस्मत कहते हैं भाग्य कहते हैं इसको बताया गया है कि लिटरेचर में माइडी पावर है बड़ी शक्तिशाली ताकत जैसे इससे पहले एक इसके लिए जो जब वो था साइल्ड साइल्ड जो बच्चा आया था शिप में बैठ कर के मतलब सोते हुए आया था और बड़ा होकर के एक शक्तिशाली वारियर बना था तो जब वो मरा था तो बताया गया कि उसका वियर्ड आ गया था इट मींस उसकी डेथ आ गई थी तो बेसिकली ये जो है डिज़ास्टर्स लिया जाता है इसीलिए लिए जो है माइटी पावर कहा गया है इसे तो ये क्या करता है मैन के डेस्टनीज को कंट्रोल करता है यानी कि जो इंसान होते हैं मैन होते हैं ना उनकी जो डेस्टनीज़ है उनकी किस्मत उनके भाग्य उसको कंट्रोल करता है अच्छा या बुरा ये क्या इज़ द चीफ रिलीजियस मोटिव ऑफ द एपिक और इस बीवुल्फ पोएम में इसका जो मेन मोटिव पॉइंट है जो धार्मिक धर्म से जुड़ा है वो यही है वियर्ड एक बिलीफ है जो कि वियर्ड में है इन लाइन वन जीरो फाइव सिक्स यानी वन थाउजेंड फिफ्टी सिक्स लाइन में वी फाइंड अ क्यूरियस ब्लेंडिंग ऑफ पैगन क्रिश्चियन बिलीफ और हम देखते हैं कि पैगन और क्रिश्चियन इन दोनों इन दोनों प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन पाते हैं और जो कि बड़ा जानने में बड़ा ही रोचक है वेयर वियर्ड इज़ विद स्टूड बाई द वाइस गॉड और जहाँ वियर्ड है यानी कि जो फेड कहा गया है वो डट कर सामना कर रही है बाई द वाइस गॉड और वो भी वाइस गॉड से अच्छा ये जो पैगन और क्रिश्चियन दिया है ये दोनों क्या डिफरेंस है दरअसल पैगन जो है ना ये एडलेट्री को सपोर्ट करता है जिसे मूर्ति पूजा कहते हैं और क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियन डज नॉट वर्शिप द एडोलेट्री यह मूर्ति पूजा का फॉलोअर नहीं है तो ये रही बात किसकी ग्रेंडल की इसको एक्सप्लेन किया गया अलग अलग नामों से इसे एड्रेस किया गया चलिए अभी ही बोर तक तो ये दो लाइन हो गई आगे लाइन देखते हैं तो उसके बारे में बताया कि मंडर क्लाउड्स मतलब वो जब आता है तो बादल छा जाते हैं अनटिल हिस्सा क्लियरली जब तक वह क्लियरली देख नहीं लेता है ग्लिटरिंग विद गोल्ड प्लेट्स द मिड हॉल ऑफ मैन किस को कि मिड को मिड हॉल को यानी कि मिट्टी से बने हुए वो हॉल जो आदमियों से भरे भरा था और वो उस पर गोल्ड प्लेट्स यानी कि सोने के प्लेट की ग्लिटरिंग चमक दिखाई दे रही थी डाउन फिल द डोर और दरवाज़ा क्या होता है फिल डाउन हो जाता है गिर जाता है दि फायर बैंडस और उसे फायर बैंड से हालांकि बांधा गया था फायर बैंडस एक वर्ड यूज फ्रेज यूज़ किया गया है इन माई ओपिनियन फायर बैंडस लोहे को कहेंगे और फायर बैंडस शायद ये लोहे की जंजीर ही होगी जिसे फायर बैंड्स कहा गया है बाकी इसका अलग कोई वर्ड होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे जहन में ये आ रहा कि फायर बैंड्स एक लोहे की जंजीर है जिसे वो बांधा गया था ओपन इट स्प्रेंग एट द ऑफ इस पॉ और जब ग्रिंडल आता है तो क्या करता है इसे दरवाजे को खोलता है तेज से और इसे उछाल देता है एक ही मतलब झटके में और अपने पंजों से अपने पॉ से क्या करता है एक ही झटके में मारता है और ये उछल जाता है सोलन विद रेज बस्ट इन द बेलब्रिंगर और वह गुस्से में क्या होता है एकदम आग बबूला हो उठा उठता है बेलब्रिंगर बेलब्रिंगर का बोला गया है इसमें परहैप्स मुझे लगता है कि जैसे ये कह दिया जाए जो इस जो ये मैटर है मतलब है जो उसकी रिक्वायर रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने वाली चीज़ जो है मुझे लगता है बेलब्रिंगर है जैसे अगर वो खाना चाहता है तो वो खाने के लिए जो प्रोडक्ट बनेंगे वो मेन बनेंगे तो ये होगा बेलब्रिंगर और इसका और कोई अगर सटीक जो मीनिंग मिलेगी तो मैं इसे ज़रूर रेक्टिफाई करूँगा फ्लेम्ड इन हिज आइज़ अफियस लाइट लाइकेस्ट फायर और उसकी आंखों में क्या है आग जल रही थी मतलब ये कह सकते हैं उसकी आंखों में वो ज्वाला थी जैसे आग ओके तो मतलब ये इतना ज्यादा गुस्सा था एट द साइट ऑफ मैन अगेन स्लीपिंग इन द हॉल ग्रेंडल लाफ्स इन हिज हर्ट और जब आदमियों को देखता है फिर दोबारा उस हॉल में सोते हुए तो ग्रेंडल क्या करता हंसता है मतलब अपने दिल से हंसता है थिंकिंग ऑफ इज फेस्ट क्यों क्योंकि वो सोचता है कि अब जो है भोजन फिर मिल गया उसे ही सीज इज़ द नियरेस्ट स्लीपर सबसे पहले वो जो करीब में जो सोता हुआ इंसान मिला उसको पकड़ लिया फिर क्रशेज इज़ बोन केस और फिर उसके रीढ़ की हड्डियों को तोड़ दिया विद अ बाइट यानी काट करके और हिम लिम फ्राम लिम और उनके हाथ पैर जितने भी थे मतलब हर अंग जो है टीयर कर दिया मतलब फाड़ दिया मतलब चीर दिया किनारे कर दिया स्वेलोज हिम और उसे निकल गया देन ही क्रीप्स टू द काउच ऑफ ब्यूल्फ फिर इसके बाद वो ब्यूल्फ के काउच पर पहुँचता काउच का मतलब होता है शैया या फिर कुशन से बनी हुई कोई चीज़ जिस पर इंसान लेटा हुआ हो या बैठा हुआ होता तो है उसे काउच कहेंगे तो वहाँ पे जाता है ब्यूल्फ के पास एंड स्टेच आउट अ क्लॉ और फिर अपने पंजा उस पर निकालता है मारने की कोशिश करता है ओनली टू फाइंड इट क्लस्ड इन अ ग्रिप ऑफ स्टील और उसे सिर्फ कुछ नहीं मिलता और अगर पकड़ भी पाता है सिर्फ स्टील का ग्रिप पकड़ स्टील पे ही ग्रिपिंग हो पाती है क्योंकि वह स्टील का वो पेन लोहे का पहना हुआ होता है अ सडन टेरर स्ट्राइक्स द मॉन्स्टर्स हर्ट और अचानक से उसका आतंक जो है मतलब उसका आतंक पूरी तरह से मॉन्स्टर के दिलों पर पूरी तरह से स्ट्राइक कर जाता है यानी कि कौन बी उल्फ का ही रोर्स ट्राइज जर के हिज आर्म फ्री और वह खूब गरजता है स्ट्रगल करता है बहुत संघर्ष करता है और और अपने उसकी बाहों को क्या करता है अपनी बाहों को फ्री करने जर्ण, जर्ण के लिए उसको जरग झटके देता है बट बीउल्फ़ लिव्स टू हिज फीट एंड ग्रैपल्स हिज एनिमी बेयर हैंडेड और जब बी उल्फ़ जो होता है अपने कदमों के बल पर जो है वो झपट्टे मारता है खड़ा हो जाता है और फिर अपने दुश्मन को बेयर हैंडेड पकड़ लेता है ग्रैपल का मतलब पकड़ लेना और किसको वही ग्रैंडल को टू एंड फ्रो दिस सर्ज आगे टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे या ऊपर और दिसर्ज का मतलब होता है अप एंड डाउन होना यानी कि कभी कभी आगे तो कभी पीछे कभी ऊपर तो कभी नीचे जो है इन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहीं। टेबल्स आर ओवरटर्न और जो टेबल्स थे वो उसको ओवरटर्न कर दिया ओवरटर्न का मतलब पलट दिया गोल्डन बेंचेस रिप्ड फ्रॉम देयर फास्टनिंग्स और जो गोल्ड के बने हुए बेंचेस थे वो उसे उनकी फास्टनिंग से मतलब छाट दी गई रिप का मतलब तक तो काट देना या कुर देना या छानट देना जहाँ से बंधा गया था द होल बिल्डिंग कोक्स और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है क्वैक करने लगी मतलब हिलने लगी एंड ओनली इट्स आयरन बैंड कीप इट फ्राम फॉलिंग टू पीसेज और सिर्फ सिर्फ जो है इसके जो आयरन बैंड्स थे लोहे के जो बैंड थे उसी ने जो है इसके पीसेज में टूटने से बचा लिया बी उल्फ कम्पेनियज आर ऑन दियर फीट नाव बी उल्फ के जो कम्पेनियंस थे वो बिल्कुल अब भागने ही वाले थे ऑन दियर फीट नाव का मतलब होता है भागने वाले ही थे हैकिंग मेनली एट द मॉन्स्टर विद स्वर्ड्स एंड बैटल एक्सेस और हैकिंग का मतलब होता है अननेसेसरीली का परफॉर्म करना प्रदर्शन करना या वेनली का मतलब होता है बेकार में वो भी किस पे मॉन्सटर पे किस से विदर्ट्स एंड बैटल एक्सेस को तलवारों से और लड़ाई में लड़ाई में यूज होने वाले एक्सेज या जो कुल्हाड़ियों से अनायास प्रदर्शन कर रहे थे एडिंग दियर शार्ट द क्रैशिंग ऑफ फर्नीचर और वे क्या कर रहे थे टूटती हुई फर्नीचर में वो अपने सिर्फ आवाज़ भर रहे थे या आवाज़ ऐड कर रहे थे चिल्ला रहे थे और उनके चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं एंड द हाउलिंग वार सॉन्ग ऑफ ग्रिंडल और सिर्फ और सिर्फ ग्रिंडल के वार सॉन्ग को हाउल कर रहे थे मतलब वार सॉन्ग का मतलब होता है कि युद्ध में लड़े जाने युद्ध में यूज़ होने वाले जो गीत है उसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे आउटसाइड इन द टाउन द डेंस स्टैंड शेयरिंग एट द अप्र्थ टाउन के बाहर जो डेंस थे डेंस का मतलब कौन वही स्पियर डेंस वे सारे बेचारे मतलब उस गज से जो है काँप रहे थे स्लोली द मॉन्स्टर स्ट्रगल्स टू द डोर और धीरे धीरे मॉन्स्टर क्या करता है स्ट्रगल करता हुआ डोर के पास जाता है ड्रैगिंग ब्यूल्फ ब्यूल्फ को खींचते हुए दरवाजे के पास जाता है वो फिंगर्स क्रैक विद द स्ट्रेन जिसकी उंगलियां जो होती हैं तनाव स्ट्रेन से खिंचाव से जो है टूट जाती हैं क्रैक हो जाती हैं बट हु नेवर रिलैक्स फर्स्ट ग्रिप लेकिन बेउल्फ ऐसा था कि अपनी पहली पकड़ को उसने रिलैक्स नहीं किया यानी छोड़ा नहीं सडनली वाइड बाउंड ओपन्स इन द मास्टर साइड अचानक से देखा कि जो ग्रेंडल था यानी राक्षस जो था उसके साइड में देखा काफ़ी जो है घाव से लग गया इन स्नैप उसकी नसें जो हैं चरचराती हुई नजर आ रही थी और द होल आर्म इज रेंज्ड ऑफ एट द शोल्डर और उसके शोल्डर पर उसके आर्म को बाहों को पूरा जो है मोड़ दिया था यानी कि हाथ को मोड़ करके जो आर्म वाला हिस्सा है वो शोल्डर पर जाके कर देना यानी कि लगभग तोड़ सा देना एंड ग्रिंडल स्कैप्स श्रिकिंग्रॉस द मोर और जो ग्रिंडल था वो बचता हुआ भागता है चिल्लाते हुए कहाँ मोर में मोर का मतलब ही दलदली एरिया में एंड प्लन्ज इन टू दी टुडाई और फिर जो है उस समुद्र में डूब जाता है और डाई का मतलब होता है मरने के लिए डूब जाता है तो इस तरह से उसने बीउल्फ ने अपने ताकत का प्रदर्शन किया और इस को उस ग्रिंडल राक्षस से बचाया लेकिन इतना ही नहीं अभी आगे चल कर के उसकी माँ भी आएगी बदला लेने के लिए ब्यूल ग्रिंडल की वो भी राक्षसिन होती है देखिए आगे क्या होगा फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा तो ठीक है दैट्स एनअ फॉर टू एंड सी नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय